नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कृषि कानून को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान प्रदर्शन स्थलों पर अलग ही नजारा रहा। दिल्ली की सिंघू, गाजीपुर और टीकरी बॉर्डर पर इस खास दिन को महिला किसान दिवस के तौर पर मनाया गया। हरियाणा पंजाब से हजारों महिला किसान इस दिन किसान आंदोलन में शामिल हुए। इस दिन मंच पर सारा कामकाज महिलाओं ने संभाला। इस खास दिन के लिए महिलाओं की टोली बनाई गई जिन्होंने खास आयोजन की। इस बीच खबर आ रही है कि दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन में अब महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। महिलाएं अब रोज मंच पर मोर्चा संभालेगी और महिला किसानों का नेतृत्व भी करेगी। महिला दिवस के मौके पर किसान संगठन ने यह तय किया, इस दौरान महिलाएं लंगर से लेकर सुरक्षा तक की जिम्मेदारी संभालेगी। कृषि कानूनों के खिलाफ 100 दिन से अधिक से किसान दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। टीकरी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर हजारों की संख्या में किसान प्रदर्शनकारी 3 महीने से डटे हुए हैं। इनमें बड़ी संख्या में महिला किसान भी शामिल हैं। महिलाएं यहां पर प्रदर्शन करने, भाषण और आंदोलन की व्यवस्था करने में बड़ी भूमिकाएं निभा रही हैं। अगर किसान आंदोलन की बात करें तो अब किसानों की ओर से देश के अलग अलग हिस्सों में महापंचायतों का आयोजन किया जा रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत भी कई महासभाओं में शामिल हो रहे हैं। हालांकि इनके अलावा राजनीतिक दलों द्वारा भी किसान महापंचायतों का आयोजन किया जा रहा है। इसके पहले 6 मार्च को 3 विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ जारी प्रदर्शन के 100 दिन पूरे हो गए। इस मौके पर शनिवार को किसानों ने अलग अलग तरीकों से विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने काला दिवस मनाते हुए कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे पर 5 घंटे का ब्लॉक भी लगाया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।